मध्य प्रदेश के खरगोन में कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक ही दिन में तकरीबन 69 लोग कोरोना संक्रमित मिले। साथ ही 1 मार्च से लगातार अब तक मरीजों की संख्या 482 हो गई है। ऐसी विकराल परिस्थिति को देखते हुए जांच करने पर आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे शासन प्रशासन की चिंता को और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए शासन स्तर पर प्रशासन ने रविवार को खरगोन में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर दिवेश वर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे बीमारी से बचा जा सके। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अभी कोरोना वायरस का केसेस जो बढ़ने लगे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है हमारे लिए और पूरी जनता को भी इसमें सचेत होने की मैं चेतावनी देता हूँ कि बिना मास्क के घर से बाहर न निकले, अनावश्यक रूप से भीड़ में न जाए, घर के बुजुर्गों को बिल्कुल ना निकलने दे, उनको सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी के लिए यदि किसी डॉक्टर को दिखाना है तो ही जाए, क्योंकि ये अब बहुत जल्दी फैलने लगा है। आज की कल की डेट में हमारे पास 69 मरीज आए हैं, जिसमें कल एक डेथ हुई, वो है वो आउट ऑफ स्टेट की, और अभी तक के टोटल अपने पास में इस महीने 482 के साथ है, जबकि पिछले महीने की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो लॉकडाउन भी रविवार को बता रहे हैं, रविवार तो लॉकडाउन का ठीक है, थोड़ा तो कंट्रोल होगा उसमें, पर ज़्यादा भीड़ जहाँ रहेगी उसको कंट्रोल करना चाहिए और वो जनता को ही करेगी, और मास्क भी जनता पर रहेगा, क्योंकि जब लोग बाग 100% मास्क पहन लेंगे तो हम इस बीमारी का ट्रांसमिशन 95% तक ख़त्म कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।